हाय शरद केलकर एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन यूट्यूब चैनल नाउ तो अब जब आप मिलते हो प्रभास से या नानी से वेरी स्वीट देर मतलब मैं आप अभी नानी के साथ तो मैं रिसेंटली डब किया एंड ही सच अ स्वीट गाय एंड ही मैसेज मी आल्सो एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स आल्सो ऐसा नहीं है प्रभास आल्सो द वेरी डाउन टू अर्थ वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी स्वीट और कहीं ना कहीं वो फिर आपको काम करने में मजा आता है ना उनके लिए

इनफैक्ट क्या अभी मैं कह सकता हूं कि आपकी छाप प्रभास की आवाज पर इतनी हो चुकी है कि फ्यूचर में भी हैव टू यूज यू ओनली पता नहीं यार मतलब एज एन एक्टर मैं बताता आपको एज एन एक्टर अगर मैं समझ लो आज कोई तेलुगु फिल्म करता हूं या मैं कोई तमिल फिल्म करता हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं डब करूं खुद ऑनेस्टली तेलुगु में बट अगर मैं कर पाया तो मैं हमेशा करूंगा जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे हैंशीष आई थिंक सैजी शिंदे हैं जो तेलुगु सिनेमा बहुत मुरली हैं मुरली शर्मा वो काफ़ी तेलुगु फिल्में करते हैं तमिल फिल्में भी करते हैं और वो बोल देते हैं और डब भी खुद ही करते हैं सहजी सर हैं वो आई थिंक वो भी करते हैं तो मेरी भी इच्छा रहेगी कि मैं भी अगर तमिल या तेलुगु सिनेमा करता हूँ तो मैं खुद डब करूँ

वो थोड़े हिल गए थे रेडिट करके एक प्लेटफॉर्म है उसमें ये आया कि यार शायद अक्षय कुमार ने शरद केलकर का पोर्शन एडिट करवाया क्योंकि वो सो स्ट्रॉन्ग ये सुना <laughs> पहले पहली बात तो अक्षय सर अपना पोर्शन शूट कर चुके थे ठीक हाँ। है लक्ष्मी जो उन्होंने प्ले किया था जब मैं ऑन बोर्ड आया तो मैंने उनका उनका सेक्शन देख के एंड विद द हेल्प ऑफ राघव सर अपना लक्ष्मी का पोर्ट्रेल किया है हाँ। तो, तो चांस ही नहीं ना मेरा काट पहले देखते हाँ। है? I don't know. यार, मैं हमेशा बोलता कि पहले शूट की है। हाँ। लोगों को लगता है कि पहले मैंने होगा, फिर अक्षय सर ने किया होगा ऐसा नहीं है पहले अक्षय सर ने शूट किया है और मुझे दिखाया गया शबीना ने मुझे सब दिखाया राघव ने दिखाया और बिकॉज अब राघव सर सेम ही कैरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं ना दोनों तो फिर जो अक्षय सर ने किया वैसे ही मुझे मुझे करना पड़ेगा ना आई कैन डू समथिंग डिफरेंट विद अक्षय टू अगेन तो अक्षय सर ने जो कर दिया उसी का मैंने एक वो चूंकि हमारी बॉडीज में काफी फर्क है मतलब वो बहुत लीनर है थोड़े से और मैं थोड़ा सा बड़ा सा आदमी हूँ तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफरेंस दिखता है एक बॉडी बाकी अदरवाइज मैनिज्मी का मैं अक्षय अक्षर सर को भेजूंगा ये बताओ कि नहीं होता है ना अब नए नए आते हो किसी का नहीं हो वो हर एक के साथ होता है हर एक आदमी ऐसा इस फेज से गुजरता है <laughs> बहुत साल तक तो मैंने जिक्र नहीं किया इस फिल्म के बारे में बट नाउ आई थिंक बात कर सकते हैं तुम्हें तो जब नया नए आते वो कवले होते हैं बिल्कुल नए नए लड़के बॉम्बे में आए कुछ पता नहीं करना क्या है तो मुझे बुलाया गया इस फिल्म के लिए और काफी सारा व्याख्यान दिया गया कि ऐसा रोल है वैसा रोल है और आप भी लालच में इतनी मल्टी स्टार फिल्म में आपको काम मिल रहा है बॉज यू अव राइट खेल कर तो जब काम कर ले तो लगता है कि तो अपना कट गया इसमें तो लाइफ में तो फिर क्या करेंगे बट दे रियलाइज कि इसको पता चल गया कि इसका कट गया है फिल्म में. हाँ। <laughs> तो पर ये आपने नहीं कहा कि मैंने ड़ब -ड़ब मैं औकात <laughs> तो बोलता तो तो ही नहीं हूँ कर, कर देता हूँ तो देखो मैं देखो, सिंपल चीज है यार। आप, क्या होता है ना कि चाहे वो आप तो अपनी अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हो ना हमेशा एक्टर अगर मैं ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो मैं अच्छा एक्टर भी नहीं बन सकता

<laughs> तुम और फैमिली मैन हाँ। का ये ऑब्वियसली रेफरेंस है कर क्या रहे थे? हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे <laughs> <laughs> क्योंकि सब जाना था, ने और फिर आ, आ, रात को मूड किया कॉफी पीने का तो बस उन्होंने काट दिया खत्म हो गया तो मैं क्या करूं अभी उसके तो मुझे भी नहीं पता कॉफी पी है क्या हुआ बट वेरी ऑनेस्टली अभी तक आई थिंक uh, सुमन इज स्टिल राइटिंग जो कि सेकेंड सीजन में भी कुछ जिक्र नहीं हुआ इस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ और थर्ड पता नहीं थर्ड सीजन में होगा कि नहीं होगा तो सुमन अच्छा, तो बट तो के, के बीच में आ गए थे हाँ, बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए थे है ना? ना, बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाया मतलब मुझे बहुत मजा भी आया पढ़ने में हम बहुत हमारा ग्रुप है बड़ा मजा आता था बट यू नो बड़ा लेकिन लोग मिला को बहुत थिन लाइन है उसमें ऐसी है कि अगर आप वो ध्यान से नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं के शेड में घुस जाओगे बट स्टिल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार बहुत बहुत इंटरेस्टिंग निकला मुझे भी नहीं पता था बट

क्यों रहा उनका जजमेंट की वजह से जजमेंट के मुझसे मतलब एज में छोटी है बट मुझसे ज्यादा काम किए हुआ है मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा लीड में शोज किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं और एक एक सेंस तो है ही स्क्रिप्ट का उनको अच्छा और वो वो फिल्म बफ है तो वो बहुत फिल्में देखती हैं तो स्क्रिप्ट सुन के उनको आइडिया लग जाता है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी वो एज ए एक्टर फिल्म देखती हैं वे एज ए ऑडियंस फिल्म देखती हैं तो कभी भी स्क्रिप्ट में ही पता चल जाता है कि यार ये फिल्म ओके फिल्म इंटरेस्टिंग है या करना चाहिए एज एन एक्टर कुछ करने को है कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में कौन है जो सभी है मेरे साथ में कि जो, I'm sure, हाँ, यारों यार।, यार यार क्योंकि मैं एक टीवी बैकग्राउंड से आया हूँ और मैं मोस्टली मैं यार घर में रहता हूँ मैं बाहर कहीं जाता नहीं ज्यादा मैं पार्टी नहीं करता हूँ मैं बाहर के रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाता मतलब you know, no, हूँ मैं मना कर मुझे शौक़ नहीं है सब मैं घर पे वो मम्मी बनाती है दाल चावल या सब्जी वो खाता हूँ मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है तो मेरे दोस्त हैं मेरे ग्रुप है जो है देखोगे तो हुसैन को आजर वाला है मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं एक प्राचीन चौहान है वो बहुत जिगरी हैं एक राहुल वानी है एक, एक हमारा ग्रुप है और आउट और इंडस्ट्री भी हैं मतलब काफ़ी सारे दोस्त बट एक वो हम पंद्रह सोलह बीस लोग हैं जो बहुत थिक फ्रेंड्स हैं और पंद्रह अठारह साल से हैं तो फिर इतने लोगों को टाइम नहीं दे पाते से करने के लिए तो बाहर कहा जाओगे आप हो बचपन से सभी रहे उस आवाज आजकल उन्होंने बोल दिया मना कर दिया कि आप ना निकाले उनकी हाँ बच्चन सर की आवाज तो इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कोई करेगा तो वो शू कर देंगे

तो रणवीर रामलीला में गाने में आते हैं लव मुंह लग गया मैं तब आते हैं वो और एक जब शूट आउट होता है दो ही सीन है हमारे साथ में और मनोज सर के साथ भी सिर्फ दो ही सीन है तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था बट आई नो इज ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ लाइक लाइक विद रणवीर आई थिंक द एनर्जी पावर है पावर मतलब फिजिकल नहीं है वो यहाँ से पावर है यार मतलब इतना करने के लिए hmm. ना आपको यहाँ से बहुत स्ट्रॉग होना जरूरी है वो है और मनोज सर तो मतलब लेजेंड है मैं क्या मैं क्या तारीफ करूंगी मतलब वो सभी जानते हैं कि कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं और क्या टाइम आया उनका भी हर चीज़ में टाइम तो आने आना ही है सर टाइम तो हर एक आदमी का आना है बस वो आदमी को वेट करना होता है उतना हम हमें लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम सब इतने इम्पेश में हमको हर चीज़ जल्दी चाहिए जबकि हर चीज़ का एक वक्त होता है आप कभी इम्पेश के लिए नहीं कभी नहीं तो कहीं कही ना कहीं वो सक्सेस आपको मिल जाएगा यार आप या जिस चीज़ की आप तमन्ना करते हैं उसके उसके अराउंड वर्क करना शुरू करते हैं ये नहीं कि आप घर बैठे कि मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा ऐसे। नानी या प्रभास किसने पहले आपको फोन किया आफ्टर दोनों दोनों। ने तारीफ किया। कि क्या बात है यार, हिंदी भी निकला है यार आपकी आवाज की वजह से क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है यार कभी कभार पहले हम लोग देखते थे डब्ड वर्जन

मैं गया था और उन्हें से फिजिकलिटी hmm. और ऐसा है ना उनको ब्रीफ कर दिया गया था। कि अच्छा एक्टर है जो कुछ है। तो ही वॉज वेरी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड एक तो फिजिकलिटी मैच करती है मतलब कैरेक्टर के साथ उसका जो क्या होता है ना सिर्फ एक साउंड का एक साइज होता है साइज एक, एक होता है वो भी बहुत जरूरी होता है आपको मैच करने के लिए hmm.

लगता है कभी कभी कि यार बेटर हो सकता है बट uh, फिर जब स्क्रीन पे देखते हो ना कहीं ना कहीं हम एनालाइज करते हैं कि हम जब शूटिंग देख रहे हैं हम सामने खड़े हैं तो हमें जो सामने एक्सप्रेशन दिख रहे हैं एज एन को एक्टर मैं सामने खड़ा हूँ तो शायद मुझे थोड़ा ऑर्ड लगे बट तो वो अगर स्क्रीन पर बहुत अच्छा दिख रहा है ना तो आपका जजमेंट रॉन्ग हो जाता है वहाँ पर इसलिए मैं लाइफ में मैं शूटिंग के पहले दिन के अलावा फर्स्ट फर्स्ट डे शॉट में देखता हूँ मॉनिटर पे जाके उसके बाद मैं मॉनिटर पूरी फिल्म में देखता ही नहीं हूँ अपने लिए पर तो सामने वाले एक्टर को देखते हो कि यार मैं वही, मैं... मैं वही बोल रहा हूँ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मुझे और लगे मेरा परफॉर्मेंस भी कई कहीं बोता नहीं किया था आ... अच्छा नहीं किया मैंने बट अगर वो डायरेक्टर को समझ में आ रहा है कि अच्छा है उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से अच्छा है और वो जाता है तो वो ओके बोलेगा नहीं तो वो रिटेक बोलेगा एक बार आपके लिए मैंने नॉन जजमेंटल वही बोल रहा हूँ आई शुड नॉट बी जजमेंटल इन टर्म्स ऑफ अदर्स परफॉर्मेंस तो मैं कभी

यार बिकॉज रूबीना इज़ वेरी बिजी नाउ आवर्ट पहले जब वो नहीं थी होती तो बहुत क्लोज थे घर में रहते थे हमारे सब बट uh, बिकॉज uh, हम मैं और हुसैन दोनों ही ज्यादा काम नहीं करते हैं चल झूठे आपको लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ मैं नहीं क्या मैं साल में डेढ़ सौ दिन तो छुट्टी मनाता हूँ हुसैन भी एज अ होस्ट है आपकी तरह तो वो भी महीने में कितने पाँच छः रात शो करते होंगे तो हम बहुत फ्री फालतू आदमी हम लोग हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं रूबी और अभिनव का ऐसा है कि वो लोग एक तो अभिनव को हम हमें नाम दिया पर्वतारोही वो हमेशा भाग जाता है कहीं ना कहीं कुछ ट्रैकिंग के लिए कुछ कहाँ एक्सपीडिशन के लिए पता नहीं किधर तो और उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने को शारीरिक कष्ट नहीं चाहिए लाइफ में अपन बीच पे जा सकते हैं चिल करने के लिए अपन पढ़ पहाड़ में नहीं आ चढ़ने के लिए तो वो जाता रहता है एंड रूबीना ऑल्सो गोज विद हिम तो उनसे थोड़ा कम हो गया है बिकॉज रूबीना बिग बॉस फिर

एक प्लेस पे मानो एक माउंटेन है नदी है बगल में hmm. और अपनी जिंदगी को देख रहे हैं hmm. किसी ने पूछा कि सर आई एक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी बोल दिया वॉट वुड यू लाइक टू बी नोन एज दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक तो अच्छा इंसान और एक अच्छा, अच्छा एक्टर वो अच्छा एक्टर बनने में ना बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं आपको और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे लोग याद रखें बाद में तो एक अच्छा एक्टर याद रखें कि एक बहुत अच्छा एक्टर था तो वही एक है वो जगह पता नहीं कौन सी होगी बट आ, एक टाइम हो आएगा जब मे बी आई एल बी देयर और नॉट बट पीपल शुड रिमेंबर मी एज अ गुड एक्टर जिस काम करने के लिए मैं आया हूँ उसमें तो जाना जाऊँ कम से कम